साथियों नमस्कार, मैं रामजीत पटेल। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो जारी कर रहा हूँ। आप इसको संगठन के हित में समझें, पंचायत सहायकों के हित में समझें या मजबूरी समझें, आपको जैसा उचित लगे। लेकिन कुल मिला के मैं पिछले सोमवार से लगातार जयपुर हूँ, सचिवालय गया, अधिकारियों से मिला। इवन जितने भी उच्च अधिकारी हैं, सबका नाम बार बार लेने से ठीक नहीं है, उनसे भी मिला, बारीकी से जाना, पंचायत राज में जाना, शिक्षा विभाग में जाना, उच्च स्तर के अधिकारी, फाइनेंस में जाना, सब कुछ जानने के बाद में कुल मिलाकर जो हमारी स्थिति है कोविड में बहुत स्लो हुई है, क्योंकि कोविड में सारी वर्चुअल मीटिंग हुई थी, फाइलों का आदान प्रदान नहीं हो पाया, जो भी आदेश आए वो सब वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से आई, सेक्रेटरी ब्लॉक था। चलो ठीक है, ये तो हुई बात, लेकिन मैंने सभी जगह चेतावनी भरी, आपकी बात रखी, चेतावनी दी अधिकारियों को कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। सर, हमने बहुत आश्वासन झेले, हर चीज़ को माना, आपके हर समझौते की हमने पालना की, लेकिन आप हमारे समझौतों की पालना नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कुल मिलाकर उनको ये कहा कि जैसे स्थिति ठीक होगी कोविड की, सरकार को हमारा आमना सामना करना पड़ेगा, उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। चेतावनी भरे लहजे में मैंने वर्बली सारे अधिकारियों को बताया, और मैं पिछले दो दिन से प्रयासरत हूँ शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए, कि उन्होंने जो बयान दिया, एक तो गैर जिम्मेदाराना बयान था, इस तरह का बयान शिक्षा मंत्री जी को शोभा नहीं देता है, राज्य सरकार की छवि को खराब करता है। खैर जाने दीजिए, लेकिन वक्त पर मौके पर चोट मारनी चाहिए। शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है इसके खिलाफ सोमवार को आप सभी को अपने लिए, मैं नहीं कहता कि रामजीत पटेल का कोई इसमें निजी स्वार्थ नहीं है, किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ कि नए पुराने जितने भी नेता हैं पंचायत सहायकों के, वो सभी सोमवार को ज्ञापन देना भी चाहिए। हम रणनीतियाँ बनाते रहेंगे, कार्यक्रम की रणनीति बाद में बन जाएगी, अभी ये नियमितीकरण के लिए ज्ञापन नहीं है। नियमितीकरण की लड़ाई तो हमारी लगातार चली रही है, हमने कभी बंद ही नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री जी के गैर जिम्मेदाराना बयान का जवाब है, और अगर समय रहते हुए जवाब नहीं दिया तो आने वाले समय में दो चार मंत्री और इस तरह के बयान देंगे, और आपको घर बैठाने की तैयारी राज्य सरकार कर लेगी। इसलिए आपको मौके पर चौका मारना चाहिए, क्योंकि ऐसा बयान देने के बाद भी मीडिया में हाईलाइट नहीं होना, कहीं प्रिंट मीडिया में जगह नहीं, कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जगह नहीं, और बयान को दबा दिया गया है। मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात जिला कलेक्टर महोदयों के माध्यम से सोमवार को ज्ञापन के माध्यम से जाएगी, तो शिक्षा मंत्री जी की कहीं ना कहीं कंप्लेंट मुख्यमंत्री जी के सामने होगी। मुख्यमंत्री जी हमारी वेदना को समझेंगे, इसमें कोई राजनीति नहीं है। मैं तमाम सभी जिलाध्यक्षों से, ब्लॉक अध्यक्षों से, सभी पदाधिकारियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई लोगों, आप ही तो प्रदेश संयोजक हैं, आप ही प्रदेश अध्यक्ष हैं। 27,000 पंचायत सहायक प्रदेश संयोजक और प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन मेरा आपसे करवत निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन समझें, कुछ भी समझें, फिर मुझे मत कहना या संगठन को मत कहना या किसी और नेता को मत कहना, क्योंकि आप अगर कदम दो कदम बढ़ाने की क्षमता रखते हैं तो हम लोग भी चार कदम बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जब कभी कभी आपसे कोई कार्यक्रम करवाने के लिए कहते हैं तो आप उससे पीछे हटते हो और उसमें राग लेप लगाते हो, राजनीति के शिकार होते हो। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर कोई भी जिलाध्यक्ष साथी इस कार्यक्रम अभियान में साथ नहीं देवे, कोई भी ब्लॉक अध्यक्ष साथी साथ नहीं देवे, तो कोई बात नहीं, जिले में एक दो पंचायत सहायक, 5-10 पंचायत सहायक तो ऐसे होंगे जो अपने पेट और मान सम्मान और ईमान की लड़ाई लड़ रहे होंगे। अपने आप को RSS का एजेंट बता दिया गया है, RSS का कार्यकर्ता बता दिया गया है माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा, और उस बयान की आप कड़े शब्दों में निंदा नहीं कर पा रहे हो, आप लिखित में कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को शिकायत नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका जमीर गवाही नहीं दे रहा है कि आप शायद अपने लिए लड़ रहे हो या राजनीति का शिकार हो रहे हो। आप ज्ञापन देंगे तो भी अच्छा है, नहीं देंगे तो भी अच्छा है, लेकिन मेरा तो आपसे यही निवेदन है, इस मिशन को सफल बनाएं, और क्योंकि आगे जो प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा, जो भी हमने कार्यक्रम तय कर रखे हैं, चाहे हमने बहुत सारी योजनाएं बना रखी है, उन योजनाओं पर मिलके एक जाजम पर बैठ के काम करेंगे, और मैं तो प्रदेश के तमाम पुराने नए जितने भी नेता हैं, बुजुर्ग युवा, सबसे निवेदन करना चाहूंगा, एक जाजम पर आएं और इन पंचायत सहायकों के साथ में किसी भी तरह का कुटारघात नहीं हो, उसके लिए एक जाजम पर आकर ईंट से ईंट बजाकर राज्य सरकार को चेतावनी देवे। लेकिन मेरा अभी भी आम पंचायत सहायक से निवेदन है, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष साथियों के साथ साथ में आम पंचायत सहायक से निवेदन है, बहुत तरह के सवाल होंगे कि रामजीत पटेल ने निर्णय क्यों लिया, पहले डिस्कस करना चाहिए था, आम पंचायत सहायक से करना चाहिए, जिलाध्यक्ष से करना चाहिए, ब्लॉक अध्यक्ष से करना चाहिए। लेकिन साथियों, समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, मीटिंग करने की कोई परिस्थितियां नहीं है, मेरा तो यही निवेदन है, आप इस अभियान को सफल बनाएंगे तो ये आपके पेट के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, आपको सरकार
कि मंत्री जी आरएसएस का एजेंट बता रहे हैं, उसके खिलाफ में मुख्यमंत्री जी को आप जिला कलेक्टर के महोदय के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने साफ कह दिया है 2 महीने तक वो किसी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि पोस्ट कोविड के वजह से डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, सोमवार को अधिक से अधिक संख्या में जितने जिला कलेक्टर महोदय पे 2, 5, 10 साथी जो भी हों, कड़े शब्दों में लिखित में शिकायत दर्ज करें। माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन की कॉपी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप जिलाध्यक्ष महोदय अपने जिले के लेटर पैड पे दे सकते हैं, आपको सिर्फ लैंग्वेज दे दी जाएगी किस लैंग्वेज का यूज करना है उसमें, और आप जिलाध्यक्ष महोदय, ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, आम पंचायत सहायक, अगर कोई लेटर पैड भी नहीं है तो 1 रुपए का व्हाइट पेपर आता है, उस व्हाइट पेपर के माध्यम से भी आप मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दे सकते हैं, क्योंकि वही लेटर पैड काम करता है और वही एक व्हाइट पेपर काम करता है। इसलिए मेरा आम पंचायत सहायक से यही निवेदन है कि आप इस अभियान को सफल बनावें। ये कोई नियमितीकरण, मानदेय वृद्धि, एक विभाग की लड़ाई नहीं है, ये आपके मान सम्मान की शिकायत की लड़ाई है, जो मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात जिला कलेक्टरों के माध्यम से 1 ही तारीख को, 21 जून को सोमवार को ज्ञापन के माध्यम से पहुंचनी चाहिए। जयपुर में क्या हलचल हो रही है वो मैं पिछले 5 दिन से देख रहा हूं, हलचल वही है जो पहले थी, नया कुछ भी नहीं है। मैं सचिवालय लगातार, आपको मैंने परसों अवगत करवा दिया, मैं सेक्रेटरीट हूँ, मैं क्या जवाब देता आप लोगों को, नया कुछ है ही नहीं, नया कुछ है ही नहीं तो मैं क्या जवाब देता आप लोगों को। मैं खुद बहुत बड़ी पीड़ा से गुजर रहा हूँ, क्योंकि बहुत जब आदमी मेहनत करता है और जब वहाँ अधिकारियों के पास में वही बातें निकलती आती हैं कि इतनी मीटिंग बाकी है, ये दौर बाकी है, वो दौर बाकी है, तो दुख होता है मेरे साथियों, लेकिन आज समय अनुकूल नहीं है। कोविड की 3री लहर की संभावनाएं हैं, लेकिन हम फिर भी अभी हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, राहुल जी, प्रियंका जी के वहाँ टाइम लगा हुआ है, हम आला कमान से भी मिलेंगे हमारी इन वेदनाओं को लेकर, लेकिन अभी फिलहाल सोमवार को आपको पुरजोर तरीके से, भगत सिंह हर घर में पैदा नहीं होते हैं, भगत सिंह पैदा हर घर में नहीं होते हैं, लेकिन आपको भगत सिंह बनना पड़ेगा मेरे साथियों। सोमवार को आपको अधिक से अधिक संख्या में, मैं नए पुराने नेता सभी से निवेदन करना चाहूँगा, आप सोमवार को ज्ञापन कार्यक्रम को सफल बनाएं, आम पंचायत सहायक सफल बनाएं, क्योंकि आपके मान सम्मान की लड़ाई है। जय संघ, जय संघर्ष।